मैं भार्गव सोनी आपका मेरे शो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज बात करेंगे फ्यूचर ऑफ इंडियन चेस यानी कि विदित गुजरात। विदित गुजराती को क्यों इंडिया का फ्यूचर कहा जाता है, वो एक लौते प्लेयर क्यों है कि वो आनंद को रिप्लेस करेंगे फ्यूचर में कभी ना कभी, और उसने विश्वनाथ आनंद को कैसे हराया वही जानेंगे ये वीडियो। बचपन से उनको चेस खेलने का बहुत शौक था, वो चेस के साथ साथ बैडमिंटन के भी अच्छे प्लेयर है, लेकिन बचपन से ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई में भी वो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन उनके साथ साथ उनका जो चेस का जो इंटरेस्ट था वो एक हॉबी नहीं था, वो उनके लिए था एक पैशन। और वो पैशन की जो एक जर्नी है वो एक ऐसे आगे बढ़ी, वो जब अंडर 12 में थे तब उनको लैपटॉप बहुत पसंद था, तो लैपटॉप लेने के लिए वो इतने एक्साइटेड थे कि 8-9 राउंड तो सडनली मतलब कंटिन्यूटी में जीत गए, लेकिन इतने एक्साइटेड के बाद के 3 हार गए। वो सिलसिला दूसरी बार भी चालू रहा, लेकिन जब वो अंडर 14 में और अंडर 14 कैटेगरी में वो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में वो पूरे वर्ल्ड में चैंपियन हुआ, वो उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट। पर सिलसिला कुछ इस कदर आगे बढ़ा कि 20 जनवरी 2013 को उन्होंने ग्रैंड मास्टर की पदवी। ग्रैंड मास्टर बनना इतना ईजी नहीं होता, मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा उसके बारे में कि इंडिया में अभी तक सिर्फ 68 ग्रैंड मास्टर ही हुए जिनमें से विदित एक, और ग्रैंड मास्टर बनना यानी कि थाउजेंड्स ऑफ पजल्स यानी कि थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर को याद रखना, यानी कि नंबर ऑफ ओपनिंग मिडल गेम एंड गेम सब चीज को रिकॉग्नाइज करना बहुत बड़ा टास्क है। इन शॉर्ट बता दो यूपीएससी में फर्स्ट रैंक लाने के बराबर है, इसीलिए अभी तक सिर्फ इंडिया 68 ग्रैंड मास्टर ही प्रोड्यूस करता है। इन ग्रैंड मास्टर बनने के बाद वो रुके नहीं, उन्होंने और प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया और नजदीक से देखा चेस को। और चेस में कैसे बोला जाता है, जब आप 2600 का रेटिंग क्रॉस करते हैं आपको बोला जाता है सुपर ग्रैंड मास्टर, यानी कि आप एक टॉप के प्लेयर हो वर्ल्ड में। विजित गुजराती 22 रैंक पर और पूरे इंडिया में सेकंड रैंक पर, और उनकी प्रैक्टिस कुछ इस कदर आगे हुई कि उनसे तो हमारे मद्रास टाइगर यानी कि विश्वनाथन आनंद फॉरवर्ड वर्ल्ड चैंपियन एक बार तो 2019 में टूर्नामेंट में तो उनको ही हरा दिया, और उनको भी एक बताया कि यार नहीं हमारे लिए अब इंडिया का फ्यूचर कोई है जो ये चीज़ का जो एक लिगेसी होता है वो कंटिन्यू रखेंगे। उनकी जिंदगी का एक और अच्छा दिन जब उन्होंने मैग्नस कार्लसन यानी कि अभी के करंट वर्ल्ड चैंपियन को के साथ एक अच्छी खासी ड्रॉ की थी मैच, वो जो लोग नज़दीक से जानते उनके लिए भी एक बहुत अच्छी मैच प्रूव हुई थी, और सिलसिला अभी भी नहीं था वहाँ। 2020 में उनके लिए एक सबसे बड़ा दिन था जब उनको वर्ल्ड चेस ओलंपियाड का टीम का कैप्टन बनाया, और वो टीम में विश्वनाथन आनंद भी उसमें उनके साथ थे, और पहली बार इंडिया वहाँ पर चैंपियन बना वो भी चाइना को बीट करके। विदित गुजराती को इंडिया का सबसे बेस्ट ब्लाइंड फॉल चेस प्लेयर भी बोला जाता है। मैं ये टर्म को आपको समझा देता हूँ, यानी कि आपके आंखों पे पट्टी बंधी जाती है और आपको पूरे चेस के 64 स्क्वायर आपको याद रखते हैं, और उसके बाद आपको चेस की ओपनिंग मिडल गेम एंड एंड गेम भी खेलते हैं। चेस बेस्ड लाइफ में बहुत बार विदित ने मतलब ब्लाइंड फॉल होकर इतनी टफ टफ पजल सॉल्व की है, लाइक जिसे आप उसको बोल सकते हो कि यस वो इंडिया का सबसे बेस्ट ब्लाइंड फॉल चेस प्लेयर है। लेकिन आई विश कि ये लिगेसी कंटिन्यू है, और 2021 और एक ओलंपियाड इंडिया खेलने जा रहा है, एंड विश ऑल द बेस्ट फॉर इंडियन टीम को।